उज्जैन शहर की अनाज मंडी और तहसीलों की अनाज मंडी में आने लगी नई फसल पर इस वर्ष डालर चने की फसल कमाने की वजह से हो सकती है मूल्य वृद्धि। उज्जैन शहर की अनाज मंडी हो या फिर समस्त तहसीलों की अनाज मंडी, इस समय अनाज मंडियों में नवीन फसल गेहूं, चना और अन्य फसलें आ रही हैं। शहर और तहसीलों में किसान पहुंच रहे हैं अपने अपनी फसलों की बिक्री करने के लिए। वहीं इसी वर्ष उज्जैन ज़िले में किसानों ने अपने खेतों में कम मात्रा में डालर चने की फसल को बोया था। इस वर्ष डालर चना कम होने की वजह से मूल्य वृद्धि बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि डालर चना उज्जैन ज़िले के अलग अलग शहरों में होता है उपयोग होने के लिए। पर उज्जैन ज़िले में इस वर्ष कम फसल होने की वजह से मूल्य वृद्धि होने की संभावनाएँ बनी हुई हैं। देखिए, अभी फिलहाल ही में पिछले सप्ताह में हमारी मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन की वार्षिक बैठक संपन्न हुई थी। उस बैठक में हमारा जो निष्कर्ष निकला था, जहां पर सभी निमाड़ के मालवा के व्यापारी उपस्थित थे, तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि अपने मालवा में तो फसल इस बार 10% है। वो किसानों का रुझान कुछ भी कहकर बिल्कुल कम हो गया है काबुली चने की ओर। निमाड़ में जरूर इस बार थोड़ी पैदावार है, जो हम लगभग आकलन के रूप में माने तो 200,000 टन के आसपास की फसल इस बार भारत में आने वाली है, और ये फसल बहुत ही कम है। इंडिया की ऑलरेडी खपत 200,000 टन के आसपास है, तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपोर्ट भी हुआ। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।